नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ मैच। के चौथे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग में 31 रन पर ही 3 विकेट खो दिए थे। इसमें से 2 विकेट तो जडेजा ने एक ही ओवर में लिए थे। इसमें जब उन्होंने लकमल को आउट किया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि बैट्समैन आउट हो चुका है, और जडेजा अंपायर से लकमल के खिलाफ अपील करते रहे। टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका के 3 में से 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने पारी के 16वें ओवर में लिए। उन्होंने लकमल को बोल्ड आउट किया। हालांकि जडेजा को इसके बारे में पता ही नहीं चला। जडेजा की बॉल लकमल के बैट का निचला किनारा लेती हुई स्टंप्स में चली गई और वो बोल्ड हो गए। विकेट गिरते ही विकेट कीपर रिद्धिमान के साथ ही स्लिप और ग्वाइंट पर खड़े फील्डर भी झूम उठे। वहीं विकेट कीपर का रिएक्शन देख जडेजा अंपायर से अपील करने लगे। अंपायर ने भी उंगली उठाते हुए बैट्समैन को आउट दिया, लेकिन तभी साथी खिलाड़ियों ने जडेजा को बताया कि लकमल बोल्ड हुए हैं, तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। इस विकेट के 2 बॉल बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म हो गया। इसके बाद ग्राउंड से बाहर जाते हुए जडेजा पुजारा और विराट को उस विकेट के बारे में कुछ बताते भी कैमरे में कैद हुए। चौथे दिन 410 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जब श्रीलंका ने 31 रन पर ही 3 विकेट खो दिए थे तो मैच में टीम इंडिया की जीत तय लग रही थी। पांचवां दिन शुरू होने के कुछ ओवर बाद जडेजा ने एजेलो मैथ्यूज का अहम विकेट लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर डाल दिया। मैथ्यूज ने पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई थी। हालांकि इसके बाद धनंजय डिसिल्वा क्रीज पर टिक गई और इंडियन बॉलर्स को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने 5वें विकेट के लिए चांडी मल के साथ 112 रन की पार्टनरशिप की। पहली इनिंग में 164 रन बनाने वाले चांडी मल दूसरी पारी में 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद धनंजय ने 6ठे विकेट के लिए रोशन सिल्वा के साथ 58 रन की पार्टनरशिप की। 119 रन के स्कोर पर धनंजय रिटायर्ड हर्ट हो गए तो लगा कि टीम इंडिया अब मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन रोशन ने 74 और डिकवेला ने 44 रन की इनिंग खेलकर टीम की हार टाल दी। ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे इस मैच को तय समय से कुछ समय पहले ही दोनों टीमों के कप्तानों की सहमति से खत्म कर दिया गया। 3 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 1-0 से जीता। कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। वहीं दूसरे टेस्ट में भारत ने नागपुर में इनिंग और 239 रन से जीत दर्ज की थी।